एवरीवन, अगेन आई एम बैक। तो जैसे कि कल की वीडियो में हम आपको बोले हुए थे कि आपका जो भी आरआरबी और आईबीपीएस एग्जाम को लेके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम वहीं से पढ़ाना शुरू करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज का अभी तक चैप्टर हम कंप्लीट नहीं किए हैं, फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसको खत्म करेंगे तो जाके हम सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पे जा सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या है आज का जो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो वो है आप लोगों का ब्लड रिलेशन। ठीक है, ओके। तो नस नस में जो आप लोगों का खून भरा है, उस खून के रिश्ते पे हम आज चलते हैं। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वेश्चंस कितने टाइप के आपके आते हैं। ठीक है, ओके। सो और पैटर्न क्या क्या रहता है, ये कितने से कितना मार्क एग्जाम में ले सकता है। ओके, तो हम इसका दो पार्ट मतलब बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दोनों पार्ट में हम ब्लड रिलेशन पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कुछ रैंडम क्वेश्चन सिर्फ ब्लड रिलेशन पे हम बनाएंगे। ओके, तो आपको वो रैंडम क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, उसके बाद जाके हम नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके ब्लड रिलेशन के जो टाइप ऑफ मतलब टाइप्स होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। तो देखिए, तीन तरह के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, ओके, तो एग्जाम में वो तीनों तरह के क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, पजल फॉर्मेट का क्वेश्चन होता है। ठीक है, उसके बाद आपका कोडिंग फॉर्मेट का क्वेश्चन होता है, उसके बाद आपका इंडिकेटिंग फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है। ओके, सो तीन फॉर्मेट के ही क्वेश्चन होते हैं, एक होता है पजल फॉर्मेट, दूसरा होता है कोडिंग फॉर्मेट और तीसरा होता है आप लोगों का क्या, इंडिकेटिंग फॉर्मेट। ओके, अब यहाँ पे सबसे जरूरी जो जाननी है, ये जो पजल फॉर्मेट है, ये क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है उसका लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज जितने अच्छे से आप समझ पाए क्वेश्चन उतने आसानी से बनेंगे। ओके, कभी कभार ऐसा होता है कि बैंक एग्जाम क्या करता है, सिंपली प्योरली ब्लड रिलेशन ही 5 मार्क का ला देता है। ओके, तो उस पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होता है कोडिंग फॉर्मेट, तो जो रिलेशंस होते हैं वो कोड के हिसाब से दिए जाते हैं, हम एग्जाम्पल के साथ जब समझाएंगे आपको समझ आएगा। लास्ट होता है इंडिकेटिंग फॉर्मेट। सुनिए, इंडिकेट का मतलब क्या होता है, एक बंदा दूसरे बंदे को पॉइंट करता है। तो इस फॉर्मेट में सबसे अच्छा चीज क्या होता है, सिर्फ दो ही लोग होते हैं जो इंडिकेट करता है, जिसको इंडिकेट किया जाता है, बस दो ही लोग होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क का ही आता है। तो ये आपके एग्जाम में अगर आता है तो ज्यादा मार्क ये वियर नहीं करता है। ओके, अगर पजल फॉर्मेट और कोडिंग फॉर्मेट के देखेंगे आप बैंक एग्जाम में, तो ये आप लोग का मिनिमम 3 मार्क्स से लेके पूरा 5 मार्क्स तक आराम से आ सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग ये आइडिया पे क्लियर हो गए कि अगर आप बैंक एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं तो आपको ये पजल और कोडिंग फॉर्मेट में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप एसएससी रेलवे एग्जाम दे रहे हैं तो इतना याद रखिए, इंडिकेटिंग फॉर्मेट से 1 क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कभी कभार लैंग्वेज प्रॉब्लम होते हैं, तो जब हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तब हम आपको ये बता देंगे। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझा देते हैं, उसके बाद हम टाइप्स पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है देख लीजिए। ओके, सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्या क्या होते हैं कि आपका कंजक्शन जो आप यूज करते हैं एक सेंटेंस में। ओके, अब ये कंजक्शन क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम आपको बोलेंगे ए इज फादर ऑफ बी हु इज ब्रदर ऑफ सी। ये हुआ पहला सेंटेंस आप लोगों का। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है ए इज फादर ऑफ बी एंड इज ब्रदर ऑफ सी। तीसरा सेंटेंस ए इज फादर ऑफ बी कॉमा इज ब्रदर ऑफ सी। ओके, तो ये देखिए आपका डिफरेंट डिफरेंट कंजक्शन हम यहाँ पे यूज किए हैं। ओके, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा ये देख के ही कि यहाँ पे आप लोग का डिफरेंस क्या क्या है। तो पहला जो सेंटेंस है वहां पे आपका डिफरेंस क्या मतलब जो कंजक्शन है वो क्या है, वो है आपका हु, जो यहाँ पे ए इज फादर ऑफ बी और उसके बाद इज ब्रदर ऑफ सी को जोड़ रहा है। सेकेंड में कंजक्शन लगा है एंड, और थर्ड में जो कंजक्शन है वो कौन है, सिर्फ कॉमा। ठीक है, तो कंजक्शन के हिसाब से कैसे आप लोगों के जो मीनिंग होते हैं वो चेंज होते हैं वो अच्छे से समझिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल बनाने के टाइम पे।
ओके तो ये चीज आप यही समझ जाएंगे तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में हमको दोबारा इसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ओके तो देखिए दुनिया में जितने सारे WH के कंजक्शन होते हैं, जैसे कि हु हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया या फिर विच हो गया, ये सारे क्या करते हैं, उसके जस्ट पहले जो बंदे बैठते हैं उन्हीं को डिनोट करते हैं। ओके क्लियर हुए सब लोग? बोल रहा है ए जो है वो बी का पिता है, ए इज फादर ऑफ बी, ए बी के पिता है। हु वर्ड किसके लिए आ गया? बी के लिए। बी भाई है सी का। क्लियर हो गया आप लोग? ठीक है। दूसरे में कंजक्शन लगा है एंड, तो दुनिया में याद रखिए दो ही ऐसे हैं, वो है एंड और बट। ये दोनों कंजक्शन क्या करते हैं, सेंटेंस का सीधा पहले पर्सन पे आ जाते हैं, वो सेंटेंस जिससे शुरू हुआ होता है। ठीक है। सो ए जो है इज फादर ऑफ बी, मतलब ए बी के पिता है, एंड मतलब ए जो है वो सी के भाई है। आई थिंक आप लोग अंतर समझ गए हैं। पहले में बोल रहा है बी जो है वो सी का भाई है, दूसरे में बोल रहा है ए जो है वो सी का भाई है। ठीक है। ओके तीसरे में आ जाता है ये कॉमा। अगर आप लोगों को आपके स्कूल की बातें याद हो, आप रीडिंग करने के टाइम टीचर बोलते हैं कि जब कॉमा एक दिया गया हो ना, वहां पे थोड़ा रुक के फिर पढ़ना। ठीक है। तो वो जो रुकने का गैप होता है वो कॉमा सीधा सेंटेंस के फर्स्ट पर्सन के पास आ जाता है। एकदम सही समझे आप लोग, ये जो कॉमा है ये भी एंड के जैसा ही काम करता है। ओके तो सेकेंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पे पूरी तरह से सेम है। ओके तो जब वीडियो बना रहे होंगे इसको प्लीज नोट डाउन कर दीजिएगा, क्योंकि कमिंग सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के टॉपिक में ये बहुत ज्यादा ही काम आने वाले हैं। ओके आई थिंक आप सब लोग क्लियर हो गए हैं इस चीज को। अगर क्लियर हो गए हैं नेक्स्ट आ जाते हैं फैमिली ट्री ड्रॉ करने पर। ठीक है। ओके फैमिली ट्री होता क्या है? देखिए फैमिली ट्री जो आप लोगों का सारे फॉर्मेट होते हैं ब्लड रिलेशन के, वो लैंग्वेज में दिए होते हैं, उस लैंग्वेज को आप जब डायग्रामेटिकली बनाते हो आप उसको फैमिली ट्री बोलते हो। ठीक है। ओके ये फैमिली ट्री देखिए आप कैसे बनाओगे, ये हम अपने मतलब हिसाब से बना रहे हैं। ठीक है। आप क्या करें, यहां से आइडिया लीजिए और जैसे आपका मन है वैसे बनाइए। कहने का मतलब यही है, एग्जाम हॉल में फैमिली ट्री आप ही को रफ कॉपी में बनाना है। ठीक है। सो आप जितना अच्छे से इसको खुद बनाएंगे आप उतना अच्छे से खुद समझेंगे। ओके सबसे पहला और जरूरी चीज याद रखिए कि आप मेल और फीमेल को कैसे डिनोट करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इसके लिए एम और एफ लिख लेते हैं, अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, डबल डॉट और सिंगल डॉट कभी कभी कोई देते हैं, बायोलॉजिकल टर्म मतलब प्लस और माइनस का यूज होता है। ओके या फिर काफी बुक में क्या होता है, मेल को स्क्वायर और फीमेल को सर्कल देते हैं। ठीक है। प्लीज सारे चीजों को खिचड़ी मत कर देना एक क्वेश्चन में। ओके जो भी यहाँ पे सिंबल ले रहे हो कोई एक ही सिंबल को यूज करते जाना। ओके ध्यान में रहा ये चीज। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं, ये रहा आपका मेल फीमेल का नोटेशन। नेक्स्ट आता है आप डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस को कैसे बताते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम आपको बोलते हैं कि ए इज फादर ऑफ बी। अब याद रखिए अगर हम आपको बोलते हैं कि एक जन दूसरे जन का पिता है, इसका मतलब यहाँ पे दो जनरेशन है। ओके तो दो जनरेशन में ऑफ बी मतलब बी के पिता कौन है, ए है। ठीक है। ऑफ बी, बी के पिता ए है, मतलब ऊपर वाले जनरेशन में ए है, नीचे वाले जनरेशन में बी है। ठीक है। तो जब आप जनरेशन एक से एक आ रहे हो तो आप वहां पे डाउन एरो के हिसाब से सिंपल एक लाइन के हिसाब से दिखा सकते हैं। ओके अब उसके बाद बी के पिता ए है, ए अगर पिता है तो ए यहाँ पे क्या है, मेल है। क्लियर है सबको? बट बी जो है वो ए का सन भी हो सकता है या तो डॉटर हो सकती है। ओके दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, तो वहां पे आप बी का जेंडर नहीं बनाएंगे। क्लियर। तो ए इज फादर ऑफ बी जो है उसका ये हो गया फैमिली ट्री। क्लियर हुए सब कोई? ओके तो ये हो गया आपका जेनरेशन वाला। अब उसके बाद हम बनाते हैं, अगर हम आपको बोलते हैं ए इज वाइफ ऑफ बी एंड
इज मदर ऑफ सी। तो यहाँ पे एक चीज आपको जाननी है कि वाइफ, हस्बैंड वाइफ जिसको आप लोग क्या बोलते हो, कपल का रिलेशन बोलते हो या फिर आप लोग स्पाउस बोलते हो, ठीक है। प्लीज इसको नोट डाउन सब लोग कर लीजिए। कभी कभी एग्जाम में वर्ड आता है आप लोगों का स्पाउस, तो स्पाउस का मतलब याद रखिए मैरिड कपल होता है, पर स्पाउस जो है वो या तो हस्बैंड हो सकता है या तो वाइफ हो सकती है। प्लीज इसको ध्यान से अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि कभी भी अगर ये वर्ड आपको एग्जाम में आए तो आपको जैसे दिक्कत ना हो, ठीक है। इसका अल्टरनेटिव है आपके पास, आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है उसको आप लोग क्या कर सकते हो, हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर भी दिक्कत ना हो इसके लिए इस जानकारी को प्लीज अपने साथ याद रखिएगा, ओके। सो अब देखिए, तो आपको क्या बोला है, ए जो है वो वाइफ है किसकी, बी की, हस्बैंड वाइफ मतलब सेम जनरेशन। उसके बाद एंड इज मदर, अब मदर मतलब क्या हुआ, फिर से अप एंड डाउन जनरेशन आ गया। तो यहाँ पे एंड जो है वो किसके लिए है, ए के लिए आ जा रहा है, क्योंकि हम जस्ट पहले आपको ये बताए ए इज वाइफ ऑफ बी। तो वाइफ मतलब अब एक कपल वाला सिंबल आपको चाहिए। देखो कपल वाले सिंबल को हम क्या किए, डबल एरो में दिखा दिए। आपका मन करे आप इसको ऐसे एरो दे दो, आपका मन करे आप एरो ना देके ऐसे वाला लाइन दे दो। कोई कोई बच्चा क्या करता है, इसको ऐसे एक एलिप्टिकल वे में दिखा देता है। जैसा करे आप मतलब जैसा मन करे आप वैसा करो, पर कोई एक ही सिंबल एक टाइम पे अडॉप्ट करो, ठीक है। बार बार बता रहे हैं एक ही टाइप का सिंबल यूज करना, वैरायटी ऑफ सिंबल यूज करोगे खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि करना क्या है, ओके। सो आपको क्या बोला है, ए इज वाइफ ऑफ बी। तो ए जो है वो बीवी है किसकी, बी की, मतलब बी हस्बैंड है यहाँ पे। आई विश आप सब लोग क्लियर है इस पे। एंड एंड मतलब ए जो है वो माँ है किसकी, सी की, मतलब सी इन लोगों का चाइल्ड है, ओके। तो ये हो गया आपका कपल वाला लाइन और ये हो गया आपका चाइल्ड वाला लाइन। पर अगेन वही बात, सी जो है वो ए और बी का सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए ए बी का जेंडर तो मिल गया, पर सी का जेंडर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये जो लाइन हम बोले हैं इसका फैमिली ट्री यहाँ पे ऐसा हो गया। आई विश आप सब लोग यहाँ पे क्लियर हुए, ठीक है। तो हम आपको सारे मतलब बता दिए कैसे कैसे आपको लाइंस ड्रॉ करने हैं रिलेशन के लिए। बाकी रहा जो आप लोगों को जानना है कि कौन सा रिलेशन कौन से जनरेशन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे कि हम आपको बोलेंगे, आप कहोगे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंडमदर, ठीक है। ये जो भी रहे ये आपके फैमिली में नॉर्मली सबसे टॉप जनरेशन में रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। उनके नेक्स्ट जनरेशन में कौन कौन आते हैं, आपके फादर आते हैं, आपके मदर आते हैं, स्पाउस रहते हैं मतलब आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है, आपके अंकल रहते हैं, ठीक है, सॉरी स्पाउस नहीं रहते हैं, आपके अंकल रहते हैं, आपके आंट रहते हैं, ठीक है, आपके इन लॉ रहते हैं मतलब फादर इन लॉ रहते हैं और मदर इन लॉ भी रहती है, ठीक है। ये हो गए आपके एक जनरेशन जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के नीचे वाले जनरेशन में आते हैं। फिर आ गया आप लोगों का जनरेशन। तो आपके जनरेशन में कौन होते हैं, आपके जो शिवलिंग्स होते हैं मतलब आपके अपने भाई बहन जो होते हैं, ठीक है, आपके शिवलिंग्स आ गए, आपके कजन आ गए, ठीक है। अब आपके स्पाउस जो है वो भी आप ही के जनरेशन के हैं, ओके। आपके ब्रदर इन लॉ जो होते हैं, आपके ब्रदर इन लॉ, ओके, और आपके सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो ये हो गए आपके आप ही के जनरेशन के। आपके नीचे वाले जनरेशन में कौन कौन आते हैं, आपका जो सन या डॉटर होता है वो होता है, ठीक है। उसके बाद आपके जो नेफ्यू होते हैं और आपके जो नीस होते हैं, आपके जो सन इन लॉ होते हैं और आपके जो डॉटर इन लॉ होते हैं, ठीक है। ये आ जाता है आपके नीचे जनरेशन में। देखिए इसको प्लीज नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा, ये चार जनरेशन हम अच्छी तरह से आपको शो किए हैं, ठीक है, ओके। ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट वाला जनरेशन, आप लोगों का जनरेशन, आपके बाद वाला जनरेशन, ठीक है। सारे को सिंगल लाइन में बस आपको बता देना है, ओके। इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, पजल फॉर्मेट से शुरू करते हैं, ओके। आप लोग इस वीडियो में क्वेश्चन देखने के बाद उसको पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद अपने आंसर्स मैच करा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी
आर मैरिड कपल एंड हैविंग टू सन्स सी एंड डी. सी इज स्पाउस ऑफ ई एंड इज फादर ऑफ टू डॉटर्स एफ एंड जी. ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन फिर से बता दे रहे हैं. पहला पैटर्न हम आपको बताए थे पजल फॉर्मेट, ये पजल फॉर्मेट का क्वेश्चन है. ठीक है, मतलब आपको पूरे डिस्क्रिप्टिव वे में डेटा दिया गया है, इसके नीचे सब क्वेश्चंस होंगे. तो सब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इसका ट्री बनाना आता होना चाहिए. ठीक है, तो जैसे जैसे हम आपको सिम्बॉल्स बताए उस सिम्बॉल्स को यूज करके ट्री बनाते हैं. क्या बोला है, ए बी जो है वो मैरिड कपल है, मतलब मैरिड कपल मतलब अब आ गए मैरिड कपल. ठीक है, एंड एंड मतलब ए बी दोनों, एंड हैविंग उन लोगों के है कौन, दो सन है. दो सन मतलब उनके नीचे जनरेशन में दो सन आ गए. कौन कौन है, सी डी, सी भी उनका एक लड़का है और डी भी उनका एक लड़का है. ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, ए और बी के जनरेशन को बताने के, जेंडर को बताने के लिए यहाँ पे कोई वर्ड यूज किया गया नहीं है. तो यहाँ पे मैरिड कपल जो है, आपको पता तो है कि एक मेल एक फीमेल, पर कौन मेल है कौन फीमेल है आपके पास डेटा इसका नहीं है. ठीक है, क्लियर हो सब कोई. नेक्स्ट, सी जो है वो स्पाउस ऑफ ई है. हम बोले थे स्पाउस का मतलब क्या होता है, मैरिड कपल. तो सी और ई मैरिड कपल है, जबकि पहले से सी का जेंडर पता हुआ है तो ई जो है वो जरूर उसकी वाइफ हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद बोला है एंड इज, एंड मतलब सी इज फादर ऑफ टू डॉटर्स, क्योंकि हम बोले थे एंड जो है वो सेंटेंस के पहले पर्सन के पास आ जाता है. तो सी जो है वो फादर है किसके, दो बेटियों के. तो दोनों बेटी कौन कौन है, एफ है और जी है, और दोनों लड़कियां हैं. तो ये सीधा लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये शिवलिंग्स के लिए है, मतलब सी डी अपने भाई भाई है. ओके, एक ही पेरेंट के भाई भाई है, और एफ जी, एफ और जी भी जो है अपने बहने हैं, एक ही पेरेंट के बहने हैं. ओके, तो क्वेश्चन को लेकर आई थिंक आप लोग फैमिली ट्री अच्छे से क्लियर हो गए. इसको लेके अब क्वेश्चन आएगा. पहला क्वेश्चन सपोज आपको पूछेगा हाउ ई इज रिलेटेड टू डी. अब देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, ई का रिलेशन डी के साथ बताए या डी का रिलेशन ई के साथ बताए. प्लीज ध्यान रखिए, ई इज रिलेटेड टू डी का मतलब हमेशा याद रखिए, हाउ वाले क्वेश्चन में जो पहला पर्सन होता है हमेशा उसी का ही रिलेशन निकालना. मतलब इस ट्री में ई क्या है डी का. ओके, आप इस क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं तुरंत अगर डाउट हुआ, फिर भी बता देते हैं. हाउ वाले क्वेश्चन में हमेशा पहले बंदे का रिलेशन पूछा जाता है. तो ई क्या है डी का, तो ई का पति जो है वो डी का भाई है. इसका मतलब ई जो है वो क्या है, सिस्टर इन लॉ. ओके, हाउ ई इज रिलेटेड टू डी का मतलब ई इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी. ठीक है, अगर आपको यहां पूछेगा हाउ डी इज रिलेटेड टू ई, इसका मतलब आप किसका रिलेशन पूछा, डी का रिलेशन पूछा कि डी क्या है ई का, तो वहां पे आप लोग क्या बना देंगे, डी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ई. ओके, आई विश आप सब लोग इसमें क्लियर हो गए. ओके, तो ये बस एक झलक सा क्वेश्चन था, हम आपको एक क्वेश्चन समझाए. इसके बाद आपको दो क्वेश्चन, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन हम देंगे, आप इसको जरूर बनाइएगा. और अगले क्लास से पहले, मतलब हम मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूजडे को अगला क्लास का वीडियो अपलोड करने वाले हैं, उससे पहले हम चाहते हैं जितने बच्चे चैनल सब्सक्राइब किए हुए सब इसके जो बाद के दो क्वेश्चन होंगे उसके आंसर जरूर देना. आप आंसर्स देते हैं तब हमको पता चलता है आप कितना समझे हैं कितना नहीं समझे हैं. ठीक है, अगर हमारा पढ़ाना थोड़ा फास्ट भी हो जा रहा तो भी हमको कमेंट में जरूर बताइएगा. आपके सारे प्रॉब्लम्स वेलकम है, क्योंकि आप जितना प्रॉब्लम्स अपना बताएंगे हम उतना चीजों को फर्निश करने की कोशिश करेंगे. ओके, एंड थैंक यू सो मच. इसके पिछले वीडियो को आप काफी ज्यादा लाइक और कमेंट किए, उसके लिए थैंक यू सो सो मच. प्लीज इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा. ओके, सो आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस पे. ये दोनों क्वेश्चन हम आपको जो देंगे इसका आंसर आप लोगों को सॉल्व करके हमको कमेंट सेक्शन में देना है. ओके, बिल्कुल भी मत भूलना कमेंट करने के लिए. ओके, सो क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं. P is husband of Q. P is husband of Q
एंड इज अ फादर ऑफ टू डॉटर्स, टू डॉटर्स. ओके, पी जो है वो हस्बैंड है क्यू का एंड पिता है दो बेटियों का ए एंड बी. ए इज स्पाउस ऑफ, ए इज स्पाउस ऑफ सी एंड इज अ फादर ऑफ, फादर ऑफ पी एंड क्यू. ठीक है, अब उसके बाद बोला गया है पी हैज ओनली टू ग्रैंड डॉटर्स. ठीक है, ओके. आई विश थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा, अब क्या करें, हैंडराइटिंग बड़ा खराब है, एडजस्ट कर लेना. हम सारे जो है वो लैंग्वेज में भी बोल रहे हैं, आप सुन सुन के भी उसको नोट डाउन कर सकते हैं. ओके, सो ये रहा क्वेश्चन आप लोगों का, मतलब डेटा जिसको लेके आपको ट्री बनाना है. ठीक है, इसके नीचे के क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं. क्वेश्चन ये है हाउ पी इज रिलेटेड टू बी, उसके बाद हाउ बी इज रिलेटेड टू, बी इज रिलेटेड टू क्यू, तीसरा क्वेश्चन हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर इन द फैमिली. ओके, याद रखिए ये ट्री उतना ही बनेगा जितने लोगों का यहाँ डेटा है. ओके, कोई एक्सटर्नल मेंबर नहीं आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में भी कोई एक्सटर्नल मेंबर के बारे में पूछा नहीं गया है. ओके, तीन क्वेश्चन दिए हैं, ये तीनों क्वेश्चन हमको फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. ओके, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा. ओके, थैंक यू सो मच.